हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एनके इनोवेशन। आप सबका इस चैनल पे स्वागत है। सबसे पहले फ्रेंड्स, मैं यही कहना चाहूंगी आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको मेरे आने वाले सब वीडियो का अपकमिंग वीडियो का अपडेट मिलता रहे। सो डियर फ्रेंड्स, आज हम आप सबके साथ मिलकर पुदीना मसाला पूरी बना रहे हैं, मिंट मसाला पूरी बनाएंगे। तो लेट्स स्टार्ट, शुरू करते हैं। सो व्हाट वी विल डू, फर्स्ट पुदीना मसाला पूरी बनाने के लिए हम 300 ग्राम व्हीट फ्लोर लेंगे, गेहूं का आटा लेंगे और 3 बड़ी चम्मच पुदीना पेस्ट लेंगे। आप चाहें तो चॉप करके भी डाल सकते हैं। साथ में इसमें अब हम सॉल्ट अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट यू कैन पुट। आई एम पुटिंग 1.5 टेबल स्पून मंगरेल, अजवाइन 1 टेबल स्पून, 1 टेबल स्पून लेमन जूस, नींबू का रस डालेंगे, 1 टेबल स्पून चिली पाउडर एंड 1 टेबल स्पून चॉप्ड कोरिएंडर एंड 1/2 टेबल स्पून जिंजर पाउडर। नाउ वी विल पोर द वाटर ग्रेजुअली टू मिक्स दिस वन एंड वी विल मेक अ स्टिफ डो। थोड़ा सा हार्ड डो बनाएंगे। Now we will mix 1 tablespoon oil. We mix nicely this one. अब हम इसे आटे से छोटे छोटे रोल बना लेंगे। बना बना के रखते जाएंगे ताकि आसानी हो पूड़ियां बनाने में। Now we will split here. थोड़ा सा इसपे व्हीट फ्लोर डाल देंगे ताकि बेलने में आसानी हो। इससे हम छोटी छोटी पूड़ियां बेलते जाएंगे। इस तरह से हम अपनी सारी पूड़ियों को बेल देंगे और तब तक में क्या होगा, हमारा तेल गर्म हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, गरम तेल में अपनी पूड़ियों को डाल देंगे फ्राई होने के लिए। ये अच्छे से फ्राई हो जाएंगे। देख रहे हैं तेल कितना गरम हो गया है। हमारी पूड़ियाँ अच्छे से फूल गई हैं, वो फूल के तैयार हैं। इस तरह से हम अपनी सारी पूड़ियों को इसमें डीप फ्राई करके अच्छे से फ्राई करके निकाल लेंगे। अब मिंट मसाला पूरी रेडी। सो फ्रेंड्स, हमारा पुदीना मसाला पूरी क्या है, रेडी हो गया आप खाने के लिए। गर्मा गर्म क्रिस्पी है, बहुत ही डिलीशियस है, यम्मी है। आप घर पे बनाइएगा तो आपको पता चल जाएगा। सो फ्रेंड्स, इसे हम जीरा आलू के साथ खा सकते हैं, चटनी के साथ खा सकते हैं, पिकल्स के साथ खा सकते हैं। यदि आप चाहें तो रायता के साथ भी खा सकते हैं, लेकिन सबसे पहले आप घर पे बनाइएगा जरूर। सो फ्रेंड्स, डू नॉट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। If you subscribe, then you will get the update of upcoming video. So friends, stay healthy, stay connected. Thank you.